ओके, एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं। बिल्कुल आसान वाली एक्सरसाइज है, सबसे आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, इसको देखिए आप। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी। इफ ए बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ए बी हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 सेंटीमीटर, ए ई हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, सी एफ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए डी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम में बेस में क्या ले सकता हूँ, DC, और इस पर हाइट क्या आ रही है, AE। तो बेस है यहाँ पर DC और उस पर हाइट जो गिराई हुई है वो है AE। ठीक है, अब आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो अगर AB 16 है तो DC भी कितना रहा होगा, 16 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो AB 16 है तो DC भी 16 रहा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 16 इंटू AE, AE की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, ओके, फिर से हम एक और तरीके से इस एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फिर से, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ABCD पैरेललोग्राम के लिए बेस लेंगे AD, बेस AD, और इस पर जो हाइट गिरा रखी है हमने, AD वाले बेस पर जो हाइट आ रही है वो है CF, तो CF ले लेंगे। ठीक है, AD हमें पता नहीं, CF की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट ये तो आपने निकाल लिया था, वो कितना था, 16 × 8 ये चल रहा था। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, AD कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से 16 × 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे आप, ठीक है, 2 से कैंसिल कर दीजिए आप, 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इस पैरेललोग्राम में बेस जब DC लेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, AE, DC × AE। इसी पैरेललोग्राम का एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है, बेस अगर हम AD लें तो साइड क्या होगी, जो करस्पॉन्डिंग हाइट जो हमने गिरा रखी है साइड पर, वो क्या है, CF। ठीक है, तो आप AD × CF करेंगे, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आप निकाल चुके थे, तो वो आप यहाँ पुट कर देंगे, 10 को नीचे लेके आएंगे और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।